दुनिया के हर देश में खान पान की अलग अलग परंपराएं हैं, लेकिन एक ऐसा देश भी है जहां पर जिंदा जानवरों को खाया जाता है और वो देश है चीन। चीन में कच्चा बंदर का दिमाग खाना तो यहां पर आम बात है और ये लोग जिंदे जानवरों को इतने मजे से खाते हैं कि जब आप देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए फिर जानते हैं चाइना द्वारा खाए जाने वाले 5 सबसे अजीबोगरीब खाने के बारे में। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। नंबर 1 फ्रॉग्स यानी कि मेढक। इसे तो सभी लोगों ने देखा ही होगा क्योंकि ये झील, तालाब और नदियों के आसपास उछलते हुए दिख जाते हैं। वैसे मेढक तो और देश में भी थोड़ा बहुत खाया जाता होगा, लेकिन चाइना में सबसे ज्यादा खाया जाता है। और खास बात यह है कि ये लोग मेढक को पकाते भी नहीं है, उसे मारकर और फिर उसके चमड़ी को उधर कर उसका नहीं आंख निकालते, नहीं उसके पैर को काटते हैं। ये लोग उसके पैर को भी चबा जाते हैं और खास बात यह है कि कभी कभी तो ये लोग उसके चमड़ी को भी नहीं हटाते हैं, उसे ऐसे ही खाने लगते हैं। अभी आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं कि कैसे ये लड़की मेढक को खा रही है। अभी आप जो इस मेढक को देख रहे हैं ये है दुनिया के सबसे खतरनाक मेढक। इसके अंदर इतना जहर होता है कि अगर किसी इंसान के अंदर गलती से भी चला जाए तो इसका एक बूंद ही 10 से 15 आदमी को मार सकता है। पर फिर भी इससे चाइना के लोगों को कुछ लेने देने नहीं है, ये लोग इसे भी खूब मजे से खाते हैं। नंबर 2 कैट यानी कि बिल्ली। जी हाँ, आपने सही सुना, ये लोग बिल्ली को भी खूब मजे से खाते हैं। इन लोगों का बिल्ली खाने का प्रक्रिया कुछ ऐसा होता है, पहले ये लोग बिल्ली को पकड़ कर लाते हैं और फिर उसे जिंदे ही उबाल देते हैं। उसको तब तक उबालते हैं जब तक वो बिल्ली तड़प तड़प कर मर ना जाए। जब बिल्ली मर जाती है तो उसको ये लोग बाहर निकालते हैं और फिर अब उसकी चमड़ी को छीलना शुरू करते हैं। अभी आप इस वीडियो देख ही सकते हैं कि कैसे ये लड़की इस बिल्ली को खा रही है। वैसे इस लड़की को देखकर नहीं लगता है कि ऐसी हरकतें भी कर सकती है। नंबर 3 वर्म। ये कीड़ा ज्यादातर केला के वृक्ष और नारियल के वृक्ष में पाया जाता है। बता दूं आपको कि ये चाइना में सबसे ज्यादा होते हैं, तो ये बहुत ही आसानी से वहाँ पर मिल जाता है। इसे खाने का प्रक्रिया इन लोगों का कुछ ऐसा होता है, पहले ये लोग उसे पकड़ते हैं और फिर उसको जिंदा ही भूंगना शुरू कर देते हैं। और अब क्या, खाना तैयार हो गया, अब इसे ये लोग बहुत ही मजे से खाएंगे। नंबर 4 पिजन यानी कि कबूतर। ये पंछी दिखने में कितना प्यारा लगता है हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, मगर चीन के लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों को सिर्फ खाने से मतलब होता है। देखिए किस तरह से कबूतर को ये लोग खाने के लिए तैयार कर रहे हैं। नंबर 5 सेंटीपीड्स। अगर आप गांव से हैं तो आपने इस कीड़े को तो जरूरी देखा होगा। हम जहां से हैं वहां तो हम लोग इसे गोजर के नाम से जानते हैं। आप इस कीड़े को क्या कहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बता दूं कि चाइना के लोग इसे भी नहीं छोड़ते हैं। अब शायद आप ये सोच रहे होंगे कि क्या ये जहरीले होते हैं, तो बता दूं कि हाँ ये जहरीले होते हैं, मगर इनमें इतना जहर नहीं होता है कि ये किसी इंसान को मार सके। चाइना के लोगों को ये खूब आता है, पहले ये लोग इसे पकड़कर और फिर उसे फ्राई कर देते हैं और फिर खाना शुरू कर देते हैं। आपको बता दूं कि ये लोग इसे जिंदा भी खाते हैं, क्यों यकीन नहीं हो रहा है ना, तो आप ये देखो, देखिए कैसे ये आदमी इसको जिंदे ही पकड़ इसको धो देता है और ये इसे जिंदा ही चबा जाता है। आप चाइना के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।